वजीफ़ा फ़ोर हाजत के मौज़ सामीन अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है और मेरी दुआ भी है कि आप जहाँ कहीं भी हों खैरियत से हों और खुश हों। शबान का महीना शुरू होने वाला है और शबान में की पहली शब को ही हज़रत अली अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी बेटी हज़रत ज़ैनब शरीकतुल हुसैन मोहसिना इस्लाम की विलादत बसादत है। तो बीबी ज़ैनब से ही मंसूब मैं एक आपको सलातुल हाजत पेश करने जा रही हूँ। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मुजर्रब नमाज है और ये जो है आप इसके अलावा किसी भी वक्त आपको कभी भी कोई मुश्किल पेश आए तो आप उस वक्त भी इस नमाज़ को पढ़ सकते हैं और इस बीबी के नाम से, बीबी ज़ैनब के नाम से, उनके वसीले से दुआ मांग सकते हैं। वजीफ़े को गौर से देखिएगा, कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, लेकिन अमल को करिएगा ज़रूर और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शबान की पहली आने से पहले पहले इसको शेयर भी कर दीजिएगा। आपने करना ये है कि शबान की पहली तारीख यानी कि जो पहली शबान हो, या तो आप जिस दिन चांद होगा शबान का उसकी मगरिब के बाद से लेकर पहली शबान की मगरिब से पहले पहले ये नमाज़ आप पढ़ सकते हैं या आप अमल कर सकते हैं। दो रकात नमाज हाजत आपने पढ़नी है और नमाज के बाद आपने दुआ मांगनी है। जब शबान का चांद हो जाए और आपको तस्दीक हो जाए कि हाँ शबान का चांद हो गया है तो मगरिब की नमाज के बाद या ईशा की नमाज के बाद भी आप ये अमल कर सकते हैं। दो रकात नमाज हाजत आप पढ़िए। नमाज हाजत पढ़कर आपको नमाज ख़त्म करें, फिर बैठ जाएं सुकून से, तस्बीह फातिमा ज़हरा पढ़िए। उसके बाद आपने किसी से कलाम नहीं करना है, कोई बात नहीं करनी है किसी भी किस्म की, ना इशारों में ना ज़बान से। फिर उसके बाद आपने 100 बार यानी कि एक तस्बीह 100 दानों की आपने दुरूद की पढ़नी है। दुरूद छोटा बड़ा कोई सा भी आप पढ़ सकते हैं। इसका सवाब आपने फिर बीबी ज़ैनब को हदिया कर देना है। ये अमल आपने जो है तकरीबन 7 दिन करना है, यानी कि ये आपने पहली मतलब शबान की पहली तारीख से या शबान शब शबान से शुरू करना है। 7 दिन तक आपको ये अमल करना है। एक ही जगह और एक ही वक्त आपने जो जब पहले दिन आप जो अमल करें, जिस जगह करें और जिस वक्त करें, आपने आगे भी इसी को पूरा रखना है, ठीक है। उसके बाद आपने जो है फिर आगे आपने करना ये है कि जगह वगैरह चेंज नहीं करिएगा, ठीक है। अच्छा जी, आपने 168 दफ़ा या मौलाती या ज़ैनब आगिसनी पढ़ना है, या मौलाती या ज़ैनब आगिसनी, और फिर दुआ करना है। यकीन कामिल के साथ पढ़िएगा, इंशाल्लाह ताला आपकी हाजत ज़रूर पूरी होगी। एक और बात है कि या मौलाती या ज़ैनब आगिसनी पढ़ते वक्त जब आप ये अमल कर रहे हो, तस्बीह पढ़ रहे हो उसकी 168 दफ़ा, तो लाजिम आपने बीबी की कुर्बानी को याद करना है कि उन्होंने करबला में इमाम हुसैन की शाना बशाना किस तरह कुर्बानी दी थी अपने बच्चों की, अपने पर्दे की, और किस तरह से उन्होंने जो है दीन इस्लाम को बचाया। तो ज़रूर ये याद रखिएगा और फिर अगर आँखों में आंसू आ जाएँ तो क्या बात है, ये दुआओं की कबूलियत की ज़मानत होती है। इंशाल्लाह ताला आपकी दुआ अल्लाह ताला बीबी ज़ैनब के सदक़े में ज़रूर कबूल करेगा। वजीफ़ा पसंद आए तो कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और मेरी वीडियो को आगे बढ़ाने में मेरी मदद भी करिए। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।